जैसे द्वारपाल किसी को राजा से मिलने के लिए रोक देता है, वैसे ही जो कर्म हमें आत्मा के दर्शन गुण में बाधा डालता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। दर्शनावरणीय कर्म बंध के कई कारण हैं, जैसे पांचों इंद्रियों के विपरीत प्रवृत्ति करना, सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन का दोष निकालना, निंदा करना या सुनना, सत्य को प्रकट नहीं होने देना, सत्य कहने वालों को नीचा दिखाने के लिए उनसे मिथ्याग्रह पूर्वक वाद विवाद करना, सत्य दर्शन की उपलब्धि ना हो उस भावना से सभा भंग कर देना, बातें करना, खांसना आदि। सत्य दर्शन करने वालों को झूठा बताना, उनका आदर सम्मान नहीं करना, सम्यक दृष्टि जीव से वैर विरोध रखना, मारने की योजना बनाना। दर्शनावरणीय कर्म का उदय जब होता है, तब आंखों से देख नहीं पाते। साधना, पढ़ाई या कुछ भी करने से नींद आने लगती है, बैठे बैठे नींद आने लगती है। भाव होने पर भी साधु साध्वी जी मंदिर या कोई भी तीर्थ स्थानक के दर्शन नहीं कर पाते। दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना और सत्कार्य में जोड़ना चाहिए। जो सत्य का बोध देते हों, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रभु की वाणी पर श्रद्धा करना, मिथ्या भाव नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करते वक्त नींद ना आए, उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले सभी वीडियो की जानकारी भी पा सकते हैं।